हाय हाय ये नहीं पूरा सही से कष्ट के कष्ट के So hey guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So here I am back with another vlog. Hi. So how are you all? Are you people doing great? Fazal, ek minute. And I am also good. Fazal, ek minute. Kehna hai mujhe bhi camera mein dikhao. ठीक है अच्छा ठीक है आओ बैठो बैठो दिखा रहे दिखा रहे दिखा रहे दिखा रहे. ये देखिए क्या कर रहा है. इधर आओ बैठो दिखा रहे. So कल मैंने कोई vlog नहीं बनाया था. इस वजह से क्यों नहीं बनाया था मैं बताता हूँ आप लोगों को. क्या कर रहे हो फजल बोलने दो. इस वजह से नहीं बनाया था कल क्योंकि कल मैंने किया तो बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया था. इस वजह से कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने. आज जो करना है आज जो होप सो आज सब कुछ जो जो सोचा है हो जाए शायद हो जाएगा. बहुत कुछ करना है सो अभी मैं स्टार्ट कर. सॉरी क्या कह रहे हो. सॉरी सॉरी भी कह रहा हूँ मार भी रहा है देख लीजिए. सो सोचा तो बहुत कुछ है. सो लेट्स सी क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है. आप लोगों को सब ब्लॉग में देखेगा इंशाल्लाह अच्छा सा ब्लॉग बनेगा और ब्लॉग में बने रहिए इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे. वो हंस रहा है मेरे पास हंस क्यों रहे हो फजल. सो बाय द वे टुडे शट अप. बाय द वे टुडे इज 14th ऑफ जुलाई एंड टुडे इज थर्सडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेस व्लॉग. फजल आज तुम्हें क्या हुआ है. ये क्या कर रहे हो कन्हैया. जिज्जू जोटे कर रहे हो तुम हैं. आज फजल हम बाहर जा रहे फजल. ठीक है हम बाहर जा रहे फजल. ठीक है तुम यहीं रुको. आज इसको लाफ्टर अटैक आया शायद. तो बस इसी में इसको मजा आता है सिर्फ भागने में पकड़ने में. आप पकड़ो पकड़ो. बस इसी चीज में मजा आता है इनको. सो गाइज़ यहाँ पे मैं आया हूँ सोफ़े का कपड़ा लेने. यहाँ मूलगंज में कानपुर में मूलगंज है वहाँ पे है अच्छे मतलब वैरायटी में सोफ़े के कपड़े मिल जाते हैं. जो सोफ़े का कवर होता है वो कवर मतलब जो ऊपर से डाला जाता है वो नहीं जो मतलब सोफ़े का एक्चुअल जो कवर होता है जो कपड़ा होता है तो वो वही मैं लेने आया हूँ. क्योंकि आज मैं सोफ़े को जो मतलब ड्राइंग रूम में सोफ़ा रखा है उसको रेनोवेट करूँगा खुद से. सो देखते हैं क्या होता है. सो गाइज ये रहा वो सोफ़ा. मैंने स्टार्ट कर दिया है सारी उसका कवर निकाल दिया है जो पहले चढ़ा हुआ था. और अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ फटाफट इसको देखते हैं क्या होता है. गाइज पता है जो पहले का कवर लगा हुआ था उसकी स्टेपल्स जो थे वो निकल ही नहीं रहे थे बड़ी मुश्किल से. ये मैंने इस वजह से क्लिप लगाई क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ बड़ी मेहनत लगने वाली है आज जो मैंने अपना लिया है ये सोफ़े का कपड़ा बनाने के लिए उसमें बड़ी मेहनत लगने वाली है. सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने स्टार्ट कर दिया है सोफ़े का ये पूरा ऊपर का जो होता है वो कवर बनाना. लेट्स सी क्या होता है देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है. कपड़ा तो ले आया हूँ मैं अभी और बस अब स्टार्टिंग कर दी है. पहले ये कपड़ा निकालूंगा देन फिर पहले ये कपड़ा निकालूंगा देन फिर ये वाला चढ़ाऊँगा. देखते हैं कैसे चढ़ता है कितनी देर में चढ़ पाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो
सो गाइस 2.5 घंटे हो गए, पता नहीं कितने घंटे हो गए हैं से मैं ये सोफ़ा बना रहा हूँ। लगभग बन गया है, बन के तैयार हो गया। मैं हालत दिखाता हूँ इसकी। अरे अभी टेढ़ा रखा है। इधर से हालत देखिए, ये हो रही है इसकी हालत। लेकिन नीचे से कुछ थोड़ा भी बचा है बाकी ये काम करना, लेकिन लगभग हो गया है काम बड़े वाले सोफ़े का। और जो बाकी जो दो चेयर्स होती हैं सोफ़े के साथ वो बची रह जाएंगी। और नजफ़ मेरी बहुत हेल्प कर रही है मैं छेड़ने में, परेशान करने में, और स्टेपलर छीनने में, और जो जो मतलब जो जो हाँ तो सब इन्होंने किया है। आप लोग समझ जाइए सब इन्होंने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सारा क्रेडिट ले लिया तुमने, मेहनत दी थी सारी हम करें और क्रेडिट तुम ले लोगी। ये चम्मच से बाल, ये बालों पे चम्मच लगाया जाता है। सालन बना रही हुई क्या छत पे अपनी सर की? सो सारे अब बस अब जब सब हो जाएंगे, मैं आपको मतलब ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं सब बना रहा हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे कि मेरा कोई वीडियो शूट कर पाए। इस वजह से मैं धीमे धीमे बस आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता जाऊँगा। नहीं वैसे अब तो पूरा हो ही गया पहले वाले चेयर सॉरी सोफे का, अब दूसरी जो चेयर रह गई उनका। और नजर से इतना भी नहीं हो सकता कि मेरा कैमरा पकड़ ले और मोबाइल वीडियो बना ले। अच्छा नहीं दिया था? हाँ नहीं दिया, नहीं दिया। तुम गिरा दोगी ना, तुम नहीं बना पाओगी यार। ठीक है अब नजब बनाएगी। ठीक है आप लोग को कैमरे के पीछे नजब दिखेगी? नहीं दिखेगी, कैमरे के पीछे कहाँ से दिख सकती है। सो मिलते हैं गाइस बना के। बहुत मेहनत लग रही है, इसके अंदर से कपड़ा लेके स्टेपलर लगाना पड़ रहा है। यहाँ स्टेपलर लगाया है, ये देखिए ये वाला स्टेपलर। तो गाइस जो बड़ा वाला सोफ़ा था वो रेडी हो चुका है और अब छोटे वाले सोफ़े की बारी है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए बड़ा वाला सोफ़ा तैयार हो गया है और अब ये वाला सोफ़ा मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी बारी, ये पहले ऐसे थे और अब ये ऐसे हो जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये मेहनत कैसी लग रही है। अच्छा लग रहा है वैसे, नाइस ना, कलर भी अच्छा है, डार्क गंदा नहीं होगा और मैंने बहुत क्लियरिटी से मैंने लगाया है। मैं हर कोई काम कर सकता हूँ। टेलर का काम भी कर सकता हूँ, सोफा भी बना सकता हूँ, डेकोरेशन भी कर सकता हूँ, हर कोई काम कर सकता हूँ मैं। थैंक यू। इस वजह से कि आप तारीफ करेंगे ना मेरी। गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरी ये आज की मेहनत? आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम में मतलब इतना अच्छा ठीक ठाक बना लिया, अच्छा और
ठीक ठाक है कि अच्छा है, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत की है सुबह, मतलब दोपहर के 3 बजे से, 2:30 या 3 बजे से मैंने देखा नहीं था टाइम, और 11 बजे तक फाइनली हो गया। हाँ हालांकि बीच बीच में काफ़ी सारे ब्रेक्स लिए, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं बना रहा था तो मैं व्लॉग्स नहीं बना, व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया, और अहमद की तबीयत ख़राब थी, बाकी सब बिजी थे, इस वजह से ज़्यादा व्लॉग मैं शूट कर नहीं पाया। बाकी आप लोग को, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी मेरी मेहनत, और इस व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय टुडेज व्लॉग, और बस बस कल और परसों बचा है, फिर इंशाल्लाह ग्रैंड सेलिब्रेशन रहेगा गदीर का। सो कल भी बहुत कुछ काम बाकी है, और कल मैंने बहुत कुछ काम किया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल का डे फ्लॉप था, जैसे कि मैंने कहा। अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि वो फ्लॉप था क्या था, बस था। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी, तब तक रहता ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। ओके बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।